एक हीरोइन अपने मेकअप रूम में तैयार हो रही थी, तभी एक शख्स ने दरवाजे को खटखटाया। इस हीरोइन ने पूछा, कौन? दरवाजा खटखटाने वाले शख्स ने अपना नाम बताया। नाम समझ में नहीं आया तो फिर पूछा, कौन है? उसने दोबारा से नाम बताया और कुछ जानकारी भी दी, कहा कि कल रात मैं आपके साथ था। तब हीरोइन ने बेहद लापरवाही भरे अंदाज में कहा, रात गई बात गई। ये हीरोइन कोई और नहीं, अपने दौर में ट्रेजडी क्वीन नाम से मशहूर मीना कुमारी थी। मीना कुमारी की जिंदगी में इतने जख्म मिले कि शराब की लत लग गई, और जब 31 मार्च साल 1972 को 39 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस की बीमारी से दुनिया से रुखसत हुई, तब इनके दोस्तों ने कहा, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। सवाल उठता है कि खूबसूरती से लबरेज मीना कुमारी इस हालात तक कैसे पहुंची? जानने के लिए इनकी जिंदगी में झांकना होगा। नमस्ते, मैं अंशुल हूं, आप हैं मंच पर। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, ये जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। यह डायलॉग किसी पर फिट बैठता है तो वो 1 अगस्त साल 1933 में मुंबई के मीठावाला चाल में जन्मी मीना कुमारी। मशहूर पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी किताब मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी में मीना कुमारी की पूरी जिंदगी के बारे में बताया। किताब के मुताबिक मीना कुमारी के पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के कलाकार थे। तंगहाली थी तो वो दूसरी बेटी मीना कुमारी को पैदा होते ही अनाथालय में छोड़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद पिता का दर्द जाग गया। वे वापस गए बेटी को लेने, देखा बच्ची के पूरे शरीर पर चींटियां काट रही थी। चींटियों को झाड़ा और बच्ची को कलेजे से लगा लिया। वक्त के साथ शरीर के घाव तो ठीक हो गए, लेकिन बदकिस्मती के जख्मों ने आखिरी सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा। परिवार के हालात ठीक नहीं थे तो सिर्फ 6 साल की उम्र में साल 1939 में रिलीज हुई फिल्म लेदर फेस में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया। 13 साल की उम्र में साल 1946 में रिलीज हुई फिल्म बच्चों का खेल में काम किया। इसी फिल्म से बेबी महजबी बानो बनी मीना कुमारी। वक्त बीता और साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा, ये फिल्म 2 साल तक थिएटर में लगी रही। मीना ने इस फिल्म में गौरी का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट हीरोइन का पहला फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। बैजू बावरा की कामयाबी को मीना ने 2 बीघा जमीन और परिणीता के साथ एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। ये वो वक्त था जब मीना कुमारी का हर कोई दीवाना था, और इन दीवानों में इस दौर के फेमस डायरेक्टर कमाल अमरोही भी शामिल थे। दोनों के बीच प्यार हुआ। पिता की मर्जी के खिलाफ साल 1952 को 19 साल की उम्र में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी कर ली। कमाल उम्र में 34 साल बड़े थे और पहले से शादीशुदा थे। मीना कुमारी ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा। कमाल अमरोही ने इसकी इजाज़त तो दे दी, लेकिन वे पुरुषवादी मानसिकता को नहीं तोड़ पाए। कमाल अमरोही ने तमाम तरह की बंदिशें लगा दी, लेकिन आज़ाद ख्यालों वाली मीना कुमारी को बंधनों में कैद करना मुश्किल था। इसी को लेकर दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। मीना कुमारी शराब के नशे में डूबने लगी। दुखों से परेशान वे अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राजकुमार, धर्मेंद्र जैसे एक्टर्स और डायरेक्टर सावन कुमार के करीब आईं। मीना कुमारी और कमाल के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। उनके साथ कई बार मारपीट भी हुई। एक पत्रिका में छपे एक इंटरव्यू में हीरोइन नरगिस दत्त ने बताया था कि मैं चुप रहूंगी फिल्म की शूटिंग का वक्त था। मीना कुमारी के साथ सुनील दत्त काम कर रहे थे। आउटडोर शूटिंग के समय मीना और मेरा कमरा अगल बगल था। तब मीना के कमरे से कई बार लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी। सुबह मीना कुमारी की सूजी आंखें बयां कर रही थीं कि वो शायद रात भर रोई थी। साल 1964 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों अलग हुए। 12 साल चले इस रिश्ते में मीना कुमारी ने 1955 की परिणीता, 1963 की साहिब बीबी और गुलाम, साल 1966 की काजल जैसी फिल्मों में काम किया, जिसके लिए इनको बेस्ट हीरोइन का फिल्म फेयर का खिताब मिला। साल 1958 की शारदा, 1963 की आरती और 1965 की दिल एक मंदिर जैसी फिल्में भी सुपरहिट रहीं। साल 1972 में रिलीज हुई पाकीज़ा, इस फिल्म की आज भी चर्चा होती है। पाकीज़ा को कमाल अमरोही ने ही डायरेक्ट किया था। शूटिंग के दौरान मीना कुमारी कमाल अमरोही का घर छोड़ चुकी थी। निजी जिंदगी में दर्द और गम में डूबी मीना कुमारी रात भर सोती नहीं थी। डॉक्टर ने नींद की गोलियों की जगह ब्रांडी लेने की सलाह दी,
और ये कप शराब की लत में बदल गई कि लीवर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। मीना अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। मीना ने कहा था, अगर मौत ही हल है तो क्यों ना मैं चैन से अपने घर में मरूं। लेकिन बहन के बार बार कहने पर मीना मान ली, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीना जो मरना नहीं चाहती थी, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने 39 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा कह दिया। मीना के दर्द को करीब से जानने वाले दोस्तों ने तब उनको मौत की बधाई दी थी। नरगिस दत्त ने भी एक पत्रिका में लेख लिखा, उसका शीर्षक था, मीना मौत मुबारक। नरगिस ने लिखा था, आपकी मौत पर बधाई, पहले मैंने ये कभी नहीं कहा, मीना आज आपकी बड़ी बहन आपको आपकी मौत की बधाई दे रही, आपसे फिर कभी इस दुनिया में कदम ना रखने के लिए कहती, क्योंकि ये जगह आप जैसे लोगों के लिए है ही नहीं। मीना कुमारी के मौत के बाद चैट शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में तबस्सुम ने कमाल अमरोही से मीना के बारे में पूछा, तो उन्होंने मीना को एक अच्छी पत्नी नहीं बल्कि अच्छी हीरोइन के रूप में याद किया। कमाल ने कहा, मीना कुमारी काफ़ी शानदार हीरोइन थी जो खुद को घर पर भी हीरोइन ही मानती थी। उनकी मौत के 8 महीने बाद इनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे रिलीज हुई। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।